फ्रेंड्स, बॉडी बनाने का शौक जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसी तरीके से इससे जुड़ी बहुत ही भ्रांतियां भी फैल रही हैं। अब बॉडी बनाना कौन नहीं चाहता, हर एक को फिट और मस्कुलर बॉडी चाहिए, पर इसके लिए कुछ रूल्स आपको समझना होगा, क्योंकि अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सारा कुछ करते हुए भी बॉडी ग्रो नहीं कर पा रही। इसके कुछ मेन रीजंस होते हैं, तो आज मैं आपको वो सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जिसे यदि आप सचमुच यदि आप उसे फॉलो करोगे तो आपको 100% वो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस किया हुआ टिप्स है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूं उसे आप बहुत ही ध्यान से समझना और इसे बैलेंस करने की सोचना। अक्सर देखा जाता है कि सारे लड़के चेस्ट की, बैक की, बाइसेप्स की एक्सरसाइज तो करते हैं, पर वहीं लेग की एक्सरसाइज को भूल जाते हैं, जिससे चेस्ट तो बड़ा दिखता है परंतु लेग्स बहुत ही पतला दिखता है। इसलिए टिप नंबर पहला है मिसिंग लेग एक्सरसाइज। लेग की एक्सरसाइज बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि लेग्स की एक्सरसाइज करने से आपकी जो बॉडी की टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स है उसे ये बूस्ट करता है, जिसकी मदद से आपकी बॉडी तेजी से ग्रो करती है। इसलिए आपको लेग की एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना है, बल्कि इसे डेली एक्सरसाइज रूटीन में इसे आपको शामिल करना है। आप कोई भी एक्सरसाइज करो, किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज करो, पर आपको उस एक्सरसाइज के करने से पहले आपको वार्म अप के समय ही 25 से 50 स्क्वाट यानी कि बैठक जरूर लगाना है। इससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ही बैलेंस करने में मदद मिलेगी। टिप नंबर 2, टेस्टोस्टेरोन लेवल। यदि आप अच्छे खासे वर्कआउट भी कर रहे हो और अच्छे खासे डाइट भी फॉलो कर रहे हो, फिर भी आपकी बॉडी ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही है, तो इसका मेन रीजन यही होता है कि आपके बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो अनबैलेंस है। तो इसे कैसे बैलेंस करना चाहिए, इसके लिए आयुर्वेदिक एक दो हर्बल मेडिसिन आते हैं, तो उसमें नंबर 1 है अश्वगंधा और नंबर 2 है शिलाजीत। आप इसका सेवन कर सकते हो। वैसे इसकी पूरी की पूरी डिटेल जानकारी कैसे लेना है, कब लेना है, वो मैंने एक अलग वीडियो में बनाई हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हो। टिप नंबर 3, प्रॉपर रेस्ट। अक्सर देखा जाता है कि वर्कआउट से हमारे मसल्स टूटते हैं और डाइट से उसकी फुलफिलमेंट होती है, पर यदि हम पूरा रेस्ट यदि नहीं दें अपने बॉडी को तो उसकी रिकवरी ठीक से नहीं हो पाती, क्योंकि कहा जाता है कि बॉडी खाने या फिर वर्कआउट से नहीं बनती, बॉडी रेस्ट से बनती है। अब रेस्ट का मतलब सिर्फ सोना ही नहीं होता, वैसे आपको रेस्ट में 6 से 8 घंटे तो प्रॉपर गहरी नींद लेनी ही है। इसके साथ ही साथ आपको तेल का मालिश भी करना है, जिससे होगा क्या कि आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलेगी और शरीर में एक अलग चमक होगी और एक अलग ताकत से आपको महसूस होगी। इसलिए आप अपने बॉडी में तेल मालिश को भी जरूर ऐड करें एज अ प्रॉपर रेस्ट। टिप नंबर 4, गैप बिटवीन डेज। अक्सर देखा जाता है कि लोग जल्दबाजी में प्रतिदिन डेली एक्सरसाइज वर्कआउट करते रहते हैं, जो कि उनके बॉडी को बूस्ट नहीं होने देता। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यदि बॉडी को तेजी से ग्रो करना है तो इसका सीक्रेट ये होता है कि आप हर 2 दिन के बाद आप 1 दिन का गैप जरूर दो। इससे होगा क्या, आपकी बॉडी बहुत जबरदस्त तरीके से बूस्ट होगी, आप खुद अनुभव करोगे। इसलिए आप हर 2 दिन के बाद 1 दिन का बॉडी को जरूर रेस्ट दें और उसी रेस्ट में आप तेल का मालिश भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।